बता दें कि हिमाचल में 4 सीट है लोकसभा की, जिसमें गोदी मीडिया क्या दिखा रहा है कि उनको 4 सीट में 6 से 8 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में 10 गो सीट है, 10 में से क्या दिखा रहा है कि 16 में से 19 सीट मिल रहा है, 16 से 19 सीट मिल रहा है, समझिए 10 सीट जहाँ है वहाँ 16 से 19 मिल रहा है। जी नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अरविंद टाइम्स। आपको बता दें कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, बहुजन मीडिया ही सच्चा मीडिया है और सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आपको बता दें कि जिस तरह से 400 पार का नैरेटिव शुरू से चलाया गया था, उसकी सच्चाई क्या है, जो आज भी एग्जिट पोल सेम एग्जिट पोल 400 पार दिखा रहा है, और इसकी भी सच्चाई क्या है, क्या यह एक नैरेटिव सेट किया गया है और लोगों को क्या है कि इसमें गुमराह करने की स्थिति उत्पन्न हो गई और लोग हिल भी गए। लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन ने 295 का आंकड़ा पूरे दल मिलकर और घोषित कर दिया कि हम 295 ला रहे हैं, या जनता का एग्जिट पोल है। उसके एक घंटे बाद से गोदी मीडिया ने, लाइव स्ट्रीम मीडिया ने हल्ला करना शुरू कर दिया कि एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी जी को 400 पार आ रहा है। तो इसकी सच्चाई क्या है, 400 पार क्या सही है या गलत है? आपको बता दें कि हिमाचल में 4 सीट है लोकसभा की, जिसमें गोदी मीडिया क्या दिखा रहा है कि उनको 4 सीट में 6 से 8 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में 10 गो सीट है, 10 में से क्या दिखा रहा है कि 16 में से 19 सीट मिल रहा है, 16 से 19 सीट मिल रहा है, समझिए 10 सीट जहाँ है वहाँ 16 से 19 मिल रहा है। आपको बता दें कि इससे क्या साबित होता है कि जो एग्जिट पोल है बिल्कुल फर्जी है। अगर आप लोग दिल थाम बैठ कर देख रहे हैं तो आप अपना बीपी हाई नहीं करिए, टीआरपी नहीं दीजिए, गोदी पत्रकार को टीआरपी नहीं दीजिए, उसका वीडियो मत देखिए और आप लोग टीवी अखबार का बहिष्कार कीजिए। आपको बता दें कि जो एग्जिट पोल है, इस एग्जिट पोल में क्या चल रहा है, दबाव बनाना। और अधिकारियों पर आपने सुना कि 150 अधिकारियों पर अमित शाह ने फ़ोन किया और उसको धमकी भी दी। हालांकि चुनाव आयोग पे इस पर फैसला गया, चुनाव आयोग ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी दलील रखी है, अपनी जवाब रखी है। हालांकि इसकी सच्चाई क्या है वो तो आगे आएगा और आगे भी निकलेगा क्या है उसकी सच्चाई, और आप किस जिला से है और कहां से है, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त अगले वीडियो में अगले खबर के साथ। धन्यवाद।